हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे बर्थडे पे मुझे विश किया। काफ़ी लोगों ने स्टेटस भी रखा, काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के मैसेज नहीं देख पाया। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ ऐसे लाइफ के रूल्स जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। कुछ सक्सेस टिप्स आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा। कई बार हम लोग जीवन में किसी भी काम को करते हैं तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी हमको उसमें सक्सेस मिल जाए। मतलब कि जैसे हमने काम शुरू किया और हम चाहते हैं कि शुरू करने के कुछ ही टाइम बाद में हमको सक्सेस मिल जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन्स विद अ सिंगल स्टेप। अगर आपको हजारों करोड़ों किलोमीटर भी जाना है तो शुरुआत आपको पहले स्टेप से करनी पड़ेगी। और गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीज़ें समय लेती हैं। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम भी आपको लगेगा। एक और बात जीवन में याद रखिए कि हमेशा काम वो करिए जो आपके मन का हो, जो आपकी पसंद का हो, और उसमें 100% आप दीजिए। हो सकता है शुरू में आपको रिजल्ट धीरे मिले या आपको कम रिजल्ट मिले, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको उस फील्ड में टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का होगा। किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। कई बार हम लोग दूसरे से राय लेते हैं किसी आपकी फील्ड के बारे में, है ना? तो लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं, बोले वो उन्होंने भी किया था ऐसा तो उनका तो कुछ हुआ नहीं। मतलब ये सब्जेक्ट खराब है। तो ना तो कोई सब्जेक्ट खराब होता है, ना कोई काम खराब होता है। अगर आप चाय बेचना भी शुरू करेंगे और उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें नए नए आइडियाज़ ला रहे हैं, तो आपने सुना होगा एक MBA चाय वाला करके है ना, उसका करोड़ों रुपये का टर्नओवर है, ठीक है, चाय के नाम पे। और बड़े बड़े उससे लोग सेल्फी लेने आते हैं, उसके ऑटोग्राफ लेने आते हैं। तो वो क्या कर रहा है? वो चाय बेच रहा है। उसका नाम है MBA चाय वाला। उसने MBA की, उसके बाद चाय बेचना शुरू किया। मतलब MBA करने के बाद में चाय बेच रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि हम लोग अभी से चाय बेचना शुरू करेंगे तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। हाँ, वो अलग बात है कि अगर MBA करके चाय बेचेंगे तो भी हंसेंगे, तो फिर भी बोले अगर चाय बेचना था तो MBA क्यों किया। तो कहने का मतलब कि आप तो दोनों तरफ से जाओगे, ठीक है, मतलब लोग तो आपको दोनों तरफ से सुनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा वो काम करो जो आपके मन का हो। शुरू में आपको आलोचनाएं मिलेंगी, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि वो लोग जो आपकी आलोचना करेंगे कर रहे हैं ना, वो आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। बस ये है कि डटे रहना। कई सारे लोग कॉम्पिटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी पिछले कुछ दिनों से देखा है सर हमारी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, सर ऐसा होगा। देखो ऐसा है, अगर मैं कह दूँ कि नहीं आएगी फॉर एग्जाम्पल, तो आप तो भी आप क्या कर लोगे? और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बिल्कुल आएगी आपकी वैकेंसी, तो देखो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक, क्योंकि अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, एक समय आएगा। क्योंकि अगर आप अभी से, मैं आपको दुआ नहीं आएगी, तो आप ढीले पड़ जाओगे, आपकी तैयारी नहीं होगी। फिर एक टाइम पता चला आपकी वैकेंसी आ गई लेकिन आपकी तैयारी नहीं थी, फिर आप पूछेंगे सर अगली कब आएगी। इसलिए लगे रहो, डटे रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आज का ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो है, बस मैंने इसीलिए बनाया कि आप मोटिवेट रहें, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था, और डटे रहें अपने काम को लेकर और पॉजिटिव रहें। एक दिन अच्छा रिजल्ट आएगा और आप नाम कमाओगे, लेकिन बस ये है कि आपको लगे रहना पड़ेगा। अगर आप इसे बीच में छोड़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे बर्थडे विश किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। बहुत सारे लोगों को मैं जो है मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ। अगर आपने मुझे मैसेज किया था और टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।